आज हम बनाने जा रहे हैं चाय के साथ सभी को पसंद आने वाली मेथी मठरी की रेसिपी। मेथी का सीजन चला जाए इससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मेथी मठरी की रेसिपी ट्राई कर ली जाए और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर ली जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो मेथी मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी। अभी मेथी जो है ना थोड़ी हरी भरी सी आ रही है, तो हमने ये जो है ना एक कप के करीब मेथी ले ली है और इसको जो है हमने अच्छे से धो लिया है और सुखा लिया है। तो इसको हम सबसे पहले जो है ना बारीक बारीक काट लेते हैं। हमें जो मेथी मठरी में ना मेथी काटते समय ध्यान रखना है कि जो नीचे वाले इसकी डंठल होती है, डंडियां होती हैं, उसको हमें इसमें यूज नहीं करना है। सिर्फ पत्ते पत्ते लेंगे और इनको बारीक बारीक हम इस तरह से काट लेंगे। अब मैंने गैस पे पैन रख लिया है और इसमें हमने डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी। अब इसमें हमने जो बारीक बारीक मेथी काट कर रखी है भून लेंगे। हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हमें इस मेथी को ज्यादा नहीं भूनना है, बस 3 से 4 मिनट भूनेंगे। स्लो टू मीडियम गैस पर चलाते हुए सॉफ्ट करना है हमें इसे। मेथी को भूनने से ये होगा कि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना वो खत्म हो जाएगा और इसमें जो थोड़ा बहुत कड़वापन होगा वो भी कम हो जाएगा। मेथी हमारी भुन गई है अच्छे से, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है वो हमारा रहेगा आटा गूंथने का। आज जो हम मेथी के लिए मठरी के लिए आटा गूंथ रहे हैं उससे मैं यूज कर रही हूँ गेहूं का आटा। तो मैं इसमें ले रही हूँ 1 कप के करीब गेहूं का आटा और आधा कप के करीब जो मैं इसमें ले रही हूँ सूजी, बारीक वाली सूजी मैं इसमें यूज कर रही हूँ। आपके पास में अगर मोटी वाली हो तो उसे आप थोड़ा सा पीस लीजिएगा, बारीक कर लीजिएगा आप, या इसको टोटली जो है मैदे से ही बना सकते हैं। ना आटा यूज कीजिए ना उसमें सूजी यूज कीजिए। अब इसमें जो है हम थोड़े से डालेंगे अपने जनरल मसाले। अब ड्राई मसाले में जो है हम सबसे पहले डालेंगे नमक, ये मैं ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक, और हम डालेंगे साथ ही इसमें धनिया पाउडर, ये हम लेंगे 1/2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, और डालेंगे हम हल्दी, वो हम ले रहे हैं 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। 1/2 टीस्पून के करीब ही हम इसमें डाल रहे हैं जीरा और 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें डाल रहे हैं अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन जो है मीठा टेस्ट देती है, अजवाइन जरूर डालिएगा। हम किसी भी तरह की अगर मठरी बनाते हैं तो उसमें हम अजवाइन जरूर ही डालते हैं। अजवाइन जो है डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो वो हम जरूर इसमें, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से कलर के लिए। और हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून के करीब तिल, ये मैं सफेद वाले तिल यूज कर रही हूँ, इनको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। और साथ ही इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए हम यूज करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर, ये मैंने जो है घर में ही थोड़ी सी काली मिर्चों का दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो रेडीमेड काली मिर्च पाउडर का भी इसमें यूज कर सकते हैं। और अब फाइनली हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी भुनी हुई मेथी। पहले हम इन सब चीजों को जो है ना अच्छे से हाथों से मसल मसल के मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी हमने मसाले ऐड किए हैं, मेथी ऐड की है, वो आटे के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से हम आटे को जो है ना मसल मसल के इसके साथ में मिक्स कर लेंगे घी के साथ में। पर अगर हमें लगेगा कि हमारा मोइन कम पड़ रहा है या हमारा जो हमने रिफाइंड ऑयल यूज किया है, ये घी यूज किया है, वो कम हो रहा है, हमारा आटा अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो हम इसमें बीच में जो है और 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे आटे में जो है ये 3 टेबल स्पून के करीब घी जो है सफिशियंट है। अब हम इसमें जो है ना हल्का हल्का पानी डालते हुए इसको आटे को गूंथ लेंगे। हमें आटे को ज्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथना है, ना ही ज्यादा टाइट गूंथना है, जैसे हम पूड़ियों का सा आटा लगाते हैं ना इसी तरह का सा आटा हमें गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ये जो मैंने पानी इसमें लिया है वो नॉर्मल वाटर ही मैं इसमें यूज कर रही हूँ, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, तो गुनगुना सा ही पानी हम इसको ले रहे हैं। इस तरह से देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंथ गया है, इसी तरह का हमें आटा इसमें रखना है। अब हम आटे को जो है ना ढककर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। वैसे भी जो है ना हमेशा पूड़ियों को और हमारी मठरियों को जो है ना आटे को रेस्ट करने के बाद ही हमें बेलना चाहिए, क्योंकि जितना आटा हमारा अच्छे से सेट होगा ना तो हमें जो पूड़ियां हैं या हम मठरी बना रहे हैं उनको बेलना जो है ना थोड़ा इजी हो जाता है। और जब तक हमारा ये आटा रेस्ट कर रहा है इसके लिए हम एक पेस्ट और तैयार कर लेते हैं। अब 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर मैं इसमें यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह पे जो है ना 2 टेबल स्पून मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम जो है ना थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, हम इसे पानी का यूज नहीं करेंगे पेस्ट बनाते हुए, देसी घी डालते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा घी डालना है और इसको अच्छे से मिलाना है। अब ये अच्छा सा एक पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। आप देखिए इसी तरह का पेस्ट हमें चाहिए, ज्यादा पतला पेस्ट हमें इसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पेस्ट ही जो है ना हमारी जो मठरी बनाने वाले हैं आज मेथी वाली, हम जो ये लेयर वाली मठरी बना रहे हैं, मीन्स हमारी जिसमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है इस तरह की मठरी,
तो ये जो पेस्ट है यही जो है हमारी मटरियों में लेयर लाने का जो है ना मेन रोल है। तो अब साथ ही जो है ना हम अपनी स्लो गैस पे एकदम अपने घी भी चढ़ा देते हैं कढ़ाई में गर्म होने के लिए, क्योंकि जैसे जब तक हम इसे बेलेंगे मटरियों को तब तक जो है हमारा घी भी जो है गर्म हो जाएगा। अब देखिए आटा जो है हमारा 10 से 15 मिनट के बाद में अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा जो है ना हम इस तरह से प्लेटफॉर्म पे निकाल के मसल लेते हैं और अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब इसमें से जो है ना इक्वल पार्ट्स में जो है ना इसकी बॉल्स काट लेते हैं, क्योंकि मैंने आटा सिर्फ 1.5 कप के करीब टोटल यूज कर रही हूँ, तो इसमें जो है हमारी 3 ही बॉल्स बनेंगी। तो इस तरह से अब देखिए मैंने इसके पोर्शन में इसको इक्वली कट कर लिया है। बाकी के 2 बॉल्स को जो है हम अभी ढक के रख देते हैं और 1 जो लोई हम इसमें से निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा जो है हम नीचे ऑयल लगा लेते हैं प्लेटफॉर्म पे और बेलन की हेल्प से जो है ना इस 1 लोई को जो है हम अच्छे से बेल लेते हैं। अच्छे से पतला पतला भी हम इसको स्टार्टिंग में बेलेंगे, बिल्कुल ही पतला पतला बेलना है हमें। अब जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था उस पेस्ट में से जो है ना इसको चारों तरफ जो है इस पेस्ट को हम इसमें लगा देंगे। हमें अच्छे से ये पेस्ट इसके अंदर लगाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये पेस्ट ही जो है हमारी जो हम मटरी बना रहे हैं लेयर्स वाली उसमें जो है मेन रोल अटेंड करता है। जितना और उतनी ही क्रिस्पी हमारी ये मटरी बनेगी जितना ये पेस्ट हमारा अच्छे से इसके अंदर लगेगा। अब मैंने देखिए चारों तरफ से जो है इसको अच्छे से पेस्ट को लगा लिया है। अब हम इसको जो है फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे उठाकर, और फिर से जो है हमें इसके ऊपर पेस्ट लगाना है इसी तरह से। अब हम जो है ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से भी इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर से जो है हम इसको रोल करेंगे। अब बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें इसको रोल करना है और फिर से जो है हमें पेस्ट इसके अंदर लगाना है। अच्छे से हम इसको चारों तरफ से पेस्ट को फैला लेंगे फिर से, और जैसे हमने उसको पहले फोल्ड किया था दोनों साइड से, पहले उसको दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, फिर से हम इसके ऊपर हल्का हल्का पेस्ट लगाएंगे और फिर से हम इसको जो ऊपर नीचे से फोल्ड करेंगे और इसको हम हल्का हल्का बेलेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है, बात ध्यान रखिएगा, वरना जो हमारी मटरी में लेयर्स बनेंगी ना वो खराब हो जाएंगी अगर हम ज्यादा भी इसको टाइट से या जोर के हाथों से इसको बेलेंगे। हम लंबा लंबा रोल करने के बाद में जो है ना एक नाइफ की हेल्प से इसके पहले कॉर्नर्स को निकाल देंगे और लंबी लंबी शेप में जो है हम इन मटरियों को पहले कट कर लेंगे। डिपेंड करता है कि अगर आपको इसमें से अगर गोल शेप में बनानी है मटरी तो आप इसको गोल शेप में भी इसी तरह से बना सकते हैं, बट मैं आज जो है थोड़ी लंबी शेप में बना रही हूँ मटरियों को। अब देखिए मैंने जो है ना अपनी मटरी लंबी लंबी शेप में काटी थी, फिर उसके बाद में है ने इनको बीच में से और कट कर लिया है, तो थोड़ा छोटा सा छोटा और कर लिया, क्योंकि छोटी इतनी अच्छी लगी। और देखिए मैं पास से दिखाऊं तो आपको इनकी लेयर्स अब अच्छे से बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब हमने सारी मटरियां जो है अपनी अच्छे से बेल ली है, उनको अच्छे से काट लिया है। और देखिए अब हमारा ऑयल भी जो है ना गर्म हो गया है, हमने स्लो गैस पे इसको गर्म करा है और इन मटरियों को जो है ना हमें एकदम स्लो गैस पे ही इनको तलना है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी जितनी हम मटरियों को स्लो गैस पे तलेंगे उतनी ही ज्यादा जो है ना हमारी मटरी क्रिस्पी बनेंगी, एकदम मार्केट स्टाइल जैसी बनेंगी मटरियां। और इनको बिल्कुल स्लो गैस पे ही हम इनको फ्राई होने देंगे, छेड़ना बिल्कुल नहीं है इन मटरियों को अभी। अब देखिये 5 से 7 मिनट के बाद में देखिए आप ये मटरियां जो है ना धीरे धीरे नीचे सीखे ऊपर की साइड आ गई। मैं अगर आपको पास से दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो इसकी लेयर्स बन रही थी वो खुल गई है, देखिए काफी अच्छे से दिखाई दे रही हैं। अब इस तरह से देखिए हमने जो है एक स्लॉट की जो हमारी मटरियां हैं अच्छे से फ्राई कर ली है अलट पलट करके, और आप देखिए इनकी लेयर्स कितनी अच्छे से दिखाई दे रही है, उनका कलर भी कितना अच्छा है। अब क्योंकि ये मटरियां हमने आटे से तैयार करी है तो अपने आप में हेल्दी है, और जो हमने इसमें ये मेथी डाली है, मेथी जो है अपने आप में ही अपने एक बहुत ही हेल्दी होती है। सर्दियों में जो है मेथी वैसे भी खानी चाहिए और ये जो है ना ब्लड प्यूरिफाइंग का भी काम करती है। मैंने पहले भी एक मटरी की रेसिपी आपके साथ में शेयर की है अपने चैनल पे, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उन मटरियों को भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको वो मटरी की रेसिपी पसंद आए तो उसे भी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की मटरियां भी जो है ना हम इसी तरह से अपने कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। अब इसी तरह से हम अलट पलट के इनको जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे और बहुत ही सुंदर सा कलर आने के बाद में हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस तरह से देखिए मैंने जो है सारी की सारी मेथी मटरी जो है तल ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एकदम पास से इनकी लेयर्स, देखिए कितनी अच्छे से ये लेयर दिखाई दे रही है। अब हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशन है कि जैसे होली का त्योहार आने वाला है तो हम इस तरह की तरह तरह की मटरी गुजिया ये सब तैयार करते हैं। बहुत वैरायटी की मटरियाँ हमारे यहाँ होली पे तैयार की जाती हैं, उसमें से एक मेथी की मटरी भी जो है ना एक स्पेशल रोल अटेंड करती है। तो इस तरह से जो है ना आप भी इस त्यौहार पे जरूर ट्राई करके देखिएगा, मैं गारंटी लेती हूँ कि ये आपको जो मटरी की रेसिपी आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। और आप इसको त्यौहार पे ही नहीं
आप वैसे भी इसको बनाते रहना पसंद करेंगे कि चाय के साथ में खाने के लिए। ठीक, इतनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो देखिए सी आवाज भी आपको आ रही होगी, कितनी क्रंची बनी है और इसका ऑयल बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं किया है, ये इसकी खास बात रही है मटरियों की। तो ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, आप और बहुत ही कम समय में तैयार रहती है। जो भी इसमें टाइम लगता है बनाने में, बस इतना ही लगता है कि इनको फ्राई करने में, बनाने में, बेलने में और काटने में इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस त्योहार पे या कभी भी जो है शाम की स्नैक के तौर पे जो है आप इन मटरियों को तैयार कीजिए, अपने घर में आने वाले गेस्ट को खिलाइए और अपने बच्चों को भी सर्व कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।